हम बात करेंगे इस वीक की स्टार्टअप न्यूज़, एक्वायर न्यूज़ और फंडिंग अलर्ट की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे स्टार्टअप से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली सबसे अच्छी न्यूज़, पेटीएम से अब आप कोरोना वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। कंपनी ने वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अब आप अपने पेटीएम ऐप से ही कोरोना वैक्सीन के लिए उपलब्ध स्लॉट बुक कर सकते हैं और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वायर न्यूज़ की। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने 20 करोड़ रुपए में गेमिंग एजेंसी पब्लिश में को एक्वायर किया। भारत की एकमात्र लिस्टेड गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजी ने तुर्की और पश्चिम एशिया स्थित गेमिंग एजेंसी पब्लिश में मेजॉरिटी स्टॉक हासिल की। कंपनी इस अधिग्रहण का उपयोग करके अपने इंटरनेशनल फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहती है। और दोस्तों आपको बता दूं, भारत में गेमिंग इंडस्ट्री के आने वाले वर्ष में तेज़ी से विकास देखने की उम्मीद है। बात करते हैं फंडिंग अलर्ट की। इस वीक की सबसे अच्छी पहली फंडिंग न्यूज़, इंसरोटेक स्टार्टअप रिन्यू वाई ने एपीएस पार्टनर से $45 मिलियन की फंडिंग जुटाए हैं। यह गुरुग्राम में स्थित स्टार्टअप है। इसका लक्ष्य अगले 5 ईयर में 2.5 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना है और इसका लक्ष्य 2 लाख POSP बीमा सलाहकारों को हासिल करना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी सबसे अच्छी फंडिंग न्यूज़, MSME एडटेक स्टार्टअप MSMEX ने रोजरपे TNF इन्वेस्टमेंट से प्री सीरीज ए राउंड में $1 मिलियन की फंडिंग जुटाया है। यह फंड का उपयोग इंटीट्यूब टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए करेंगे, जिसमें डीप लर्निंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, इंटेलिजेंट लाइव चैट सिस्टम और AI आधारित बिहेवियर एनालिसिस सिस्टम शामिल है। इस वीक की सबसे अच्छी तीसरी फंडिंग न्यूज़, सॉज स्टार्टअप ब्राउजर स्टॉक बना यूनिकॉर्न। इनसाइट पार्टनर से जुटाए $200 मिलियन सॉज स्टार्टअप ब्राउजर स्टॉक, जो कि क्लाउड पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक ग्लोबल कैटेगरी लीडर है। इन्होंने $4 अरब वैल्यूएशन के आंकड़ों को छूते हुए सीरीज बी राउंड में $200 मिलियन जुटाए। यह इस साल इंडिया का 15वां यूनिकॉर्न है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश की बदौलत स्टार्टअप खूब तरक्की कर रहे हैं। इसके चलते अब वो तेजी से यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज़्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी में बदल रहे हैं। इस वीक की चौथी फंडिंग न्यूज़, अपना ने इनसाइट पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल से सीरीज बी राउंड में $70 मिलियन की फंडिंग जुटाए हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब प्लेटफॉर्म अपना मौजूद शहरों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और अगले 6 महीनों में पूरे भारत में विस्तार करने के लिए $70 मिलियन सीरीज बी राउंड की फंडिंग का उपयोग करेगा। इस वीक की पांचवी फंडिंग न्यूज़, फिनटेक स्टार्टअप चेकबुक ने अपनी लोन बुक बढ़ाने के लिए इनोवेन कैपिटल से $1 मिलियन की फंडिंग जुटाया है। कंपनी का इरादा अपनी लोन बुक को बढ़ाने के लिए जुटाई गई फंडिंग का उपयोग करेगा। बयान में उन्होंने कहा, अगले 2 वर्ष में चेकबुक को अपनी लोन बुक को बढ़ाने के लिए $30 मिलियन की फंडिंग जुटाने की उम्मीद है। यह फाइनेंशियल इंकुलेशन को चलाने में मदद करने के लिए इस बड़े पैमाने पर कम सेवा वाले सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और यह इंडिया के टॉप 25 सिटी में 8 लाख से अधिक कस्टमर को सेवा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही स्टार्टअप न्यूज़ और स्टार्टअप की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।